हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं क्यूकर ओट्स का यूज़ करके बहुत ही बेहतरीन रेसिपी। क्यूकर ओट्स की तरफ से दो न्यूली प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं, एक है टेंगी टोमेटो एंड दूसरा है होम स्टाइल मसाला, और दोनों ही फ्लेवर बहुत ही क्लासिक हैं। आप इन टेस्ट मेकर्स का यूज़ करके बहुत ही टेस्टी सी रेसिपीज़ बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इन्हीं टेस्ट मेकर का यूज़ करके आज हम बनाने जा रहे हैं ओट्स एग लॉलीपॉप। और ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ, इसके अंदर इस तरह से तीन पाउच आपको मिलेंगे होम स्टाइल मसाला के, ये देख सकते हैं आप, और बहुत ही टेस्टी फ्लेवर है। एक बार आप ये जो ओट्स हैं इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए, मार्केट में नए आए हैं। और दूसरा ये जो आप देख सकते हैं टेंगी टोमेटो, तो आप किसी भी टेस्ट मेकर का यूज़ करके और थोड़ा सा ट्विस्ट देकर आप कोई भी रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं। नॉर्मल ओट्स मसाला बनाकर तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बोल में हमने डाल दिए 4 टेबलस्पून जितने ओट्स, और इसके अंदर आप डालें 1/2 कप जितना मिल्क, और इसे अच्छे से आप मिक्स कर लें और करीब 5 से 6 मिनट के लिए सोक करके रखें। फ्रेंड्स, ये जो क्यूकर ओट्स हैं इनकी क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छी है। और दूसरे बोल में हमने ले लिए हैं 2 eggs। यहाँ पर हम एग का यूज़ करके, ओट्स का यूज़ करके बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनाने जा रहे हैं। इसे आप अच्छे से बीट कर लें। और यहाँ हम डालेंगे इसके अंदर, चाहे आप टेंगी टोमेटो डालें या होम स्टाइल मसाला, यहाँ पर हम होम स्टाइल मसाला डाल रहे हैं। इसके अलावा आपको कोई और अलग से मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको इसमें गरम मसाला डालना है, ना रेड चिली पाउडर डालना है, ना हल्दी पाउडर डालना है। ये जो टेस्ट मेकर है यही काफ़ी है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर है इसका। इसे डालकर आप अच्छे से मिक्स कर लें। कुछ वेजिटेबल्स यहाँ पर हमने ली हैं, 2 बड़े चम्मच जितने कैप्सिकम चॉप की हुई, ग्रेट की हुई कैरेट है, और स्वीट कॉर्नस हैं 2 चम्मच। 2 चम्मच यहाँ हमने लिए हैं स्प्रिंग अनियंस, थोड़े से हमने टॉपिंग के लिए रख दिए हैं, और 1/2 प्याज बारीक कटा हुआ, 1/2 इसमें आप डालें बारीक कटा हुआ टमाटर और फ्रेश कोरिएंडर लीव्स। इसके बाद आप इसमें डाल दें जो हमने भिगो कर रखे थे ओट्स हैं, और थोड़ा सा आप डालें नमक और थोड़ी सी काली मिर्च। बस इन सारी चीज़ों को डालकर आप अच्छे से मिक्स कर लें। फ्रेंड्स, अगर आप एग नहीं खाते हैं तो आप इस रेसिपी में एग की जगह कर्ड का यूज़ कर सकते हैं, और उसके साथ साथ लास्ट में आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालें या बेकिंग पाउडर डालें। और ये हमारा मिक्सचर रेडी है, गैस पे हमने रख दिया है अप्पे पैन जो आता है, और बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल आपको इसमें डालना है, और ऑयल की जगह आप देसी घी या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो हमने मिक्सचर लिया है और इसे आप डाल दें इस अप्पे पैन में। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इस मिक्सचर से आप मफिन्स भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, आप इसे बेक कर सकते हैं, और पर ये बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत ही टेस्टी ओट्स एग लॉलीपॉप्स बनकर तैयार होंगे। हमने थोड़े से ऊपर डाल दें स्प्रिंग अनियंस, और दोनों तरफ से पकने तक आप इन्हें पका लें। फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होते हैं और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आप बच्चों को चाहे लंच बॉक्स में दीजिए, अचानक से आपके घर गेस्ट आ जाएं तो आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं, या मॉर्निंग इवनिंग आप चाय के साथ एज अ स्नैक्स इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए, बहुत ही झटपट हेल्दी हमारी आज की रेसिपी बनकर तैयार हुई है, जिसे हमने ओट्स और एग और बहुत सारी वेजिटेबल्स के साथ बनाया है। इसी तरह से आप बाकी के मिक्सचर से भी ये टेस्टी और फ्लफी से एग ओट्स लॉलीपॉप्स बनाकर तैयार कीजिए। आप इन्हें ओट्स एग बाइट्स का नाम भी दे सकते हैं। तो आई होप आपको हमारी आज की टेस्टी सी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी, सॉफ्ट और फ्लफी जो हमारे एग बाइट्स हैं या ओट्स एग बॉल्स बोल सकते हैं, बनकर तैयार हुए हैं। साथ में अनियन रिंग्स, धनिया पुदीना की चटनी और टोमेटो सॉस के साथ आप इसे सर्व करें, और इसके ऊपर आप लगा दें, अगर आप बच्चों को दे रहे हैं इस तरह से टूथपिक लगा दें, और गर्मा गर्म सर्व कीजिए। तो आई होप आपको हमारी आज की ये टेस्टी हेल्दी ओट्स एग बाइट या ओट्स एग लॉलीपॉप की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और बढ़िया रेसिपी के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।